तो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रॉम बिजी ब्लॉगर। तो भाई बहुत दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो उसके लिए पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरा जीव का थर्ड सर्विसिंग है, जो कि दिखाना चाहता हूँ मैं आप सभी को। तो भाई ये करीब 10,756 चल चुकी है, तो मुझे 10,000 में देना था, 10,700 कुछ में देना था। तो 50 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा चल चुका, तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ सर्विस सेंटर में। तो गाइस तब तक बने रहिए। तो भाई चलो अभी निकलते हैं हम लोग जूस के साथ। तो फाइनली गाइस मैं अभी अपना जूस को लेके आ चुका हूँ, ये रहा अपना सुहानी का बजाज सर्विस सेंटर। तो अंदर जाने के बाद मिलते हैं गाइस। तो भाई यहाँ पे बजाज शोरूम के में आने के बाद, सर्विस सेंटर में आने के बाद, तो अपने इधर का राहुल भाई को मिले, जो हाल ही में DS7 को मतलब खरीदे थे। तो मैं उनसे अभी पूछने वाला हूँ कि DS7 में ऐसा क्या क्या अपडेट्स आया और क्या है, तो राहुल भाई से मिल के उससे पूछ लेते हैं। रुकिए गाइस, ये है अपने राहुल भाई सुहानी बजाज के। सुहानी बजाज में टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, तो मैं हाल ही में ये गाड़ी परचेस किया जो BS7 की है, जैसे BS6 का गाड़ी है। ये भाई पहले तो ये बात हमको समझाइए, BS6 है या BS7 है? उसका BS7 है, उसका अपडेट वर्शन है ना ये? अपडेट वर्शन है। अच्छा। ये BS7 गाड़ी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे BS6 का गाड़ी था उसका साउंड कंपैरिजन बहुत मतलब हाल ही में खराब था वो, ठीक है। इसका साउंड कंपैरिजन ठीक है, लेकिन स्पीड में बहुत डिफरेंस है, बहुत मतलब इसका स्पीड थोड़ा कम है, BS6 का बहुत ज्यादा है। ओके भाई, इसमें फिलहाल गाइस मेरा गाड़ी अभी ऊपर है। ओवरऑल भाई गाड़ी का तो सर्विसिंग हो गया है, वो मतलब थर्ड सर्विसिंग हो नहीं सका क्योंकि वो टेस्ट क्रॉप कर चुका था। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कॉस्ट कितना आया था, कुछ मोबिल वगैरह लेके, खाली मोबिल और मोबिल फिल्टर चेंज करके, गाइस मेरे से आपका 830 रुपीज़ लिया। अगर यही मैं बाहर से करवाता हूँ ना, तो भाई इससे कम में हो जाता है, 700 से 750 में हो जाता था, 830 रुपीज़। राजीव भाई, राजीव भाई फिर अपना चेहरा दिखा दो, इधर इधर। हाँ, ये मेन मैकेनिक भाई। तो भाई इधर अपना पेट्रोल चेंज होते हुए, तो ये भाई मुझे करके दे रहे बाहर से, ये दोनों भाई। और ब्रेक ऑयल में डाल दो अपना, ये बजाज का ही, दूसरा कोई ब्रेक ऑयल नहीं डाल दो, ये डाल दो क्योंकि यही अच्छा रहता है। तो फिलहाल अभी आगे का खाली करते हो भाई अच्छे से। पूरा क्लीन हो गया भाई। तो ये रहा वो बजाज का ब्रेक ऑयल। तो आगे का ब्रेक ऑयल हो गया फिलहाल, ठीक है। पीछे का भी ब्रेक ऑयल चेंज हो रहा है, जो पूरा काला हो चुका था, अभी ये साफ करके थोड़ा भाई अभी ब्रेक ऑयल डाल देंगे। चेन में इस तरह का मतलब जाम लग गया था, जब उसको भी मैं सोचा कि यहाँ पर करवा लें। सर्विस सेंटर का मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि
अंदर मतलब उन लोगों का कॉस्ट कुछ अलग होता है और बाहर का कॉस्ट कुछ अलग होता है। वो लोग थोड़ा अच्छे से ठीक करते हैं, बाहर वाला भी अच्छे से ठीक कर देते हैं। सिंपल सिंपल अगर मैं सीधा बोलना चाहूँ तो गाइस, आप अगर अपना बाइक को थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं कि माइलेज दे, अच्छा सब कुछ अच्छा मिले, भाई सीधा एक काम कीजिए, जो जेन्युइन मोबिल है, जेन्युइन सब कुछ है, वो ले लीजिए, बाहर से करवा लीजिए। उसमें आपका थोड़ा आधा कॉस्ट तो कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं सर्विस सेंटर से कुछ करूँ, वो आपका मर्जी है, हर कोई का मतलब अलग अलग रहता है। आप अगर जेन्युइन चीज खरीद के बाहर करा रहे एक ही होगा, अगर वही अंदर करा रहे सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस। तो भाई राहुल भाई ने जैसे जो सोनी बजट का मतलब वो जो बताया था, हाँ BS6 और BS7 में डिफरेंस होता है, तो भाई वो बोले थोड़ा काम करते हैं, कभी डिटेल्स पूरा अच्छे से नहीं ले नहीं सका। वो बोला शाम को आपको अपना पूरा डिटेल्स बताएंगे BS6 और BS7 के बारे में, तो मैं वो शाम तक का वो करके मैं वीडियो अपलोड आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा, और मैं ये बताऊँगा BS6 और BS7 में क्या मतलब क्या डिफरेंस में जो डिफरेंस है जो BS7 परचेस क्यों कर रहे हैं इंसान अभी। तो फाइनली गाइस मैं अभी आ चुका हूँ, थोड़ा मतलब वो जो सुबह दे नहीं सका BS6 और BS7 का जो अपडेट था वो बाकी था, वो राहुल भाई हम मुझको बोला था शाम को बताएंगे। तो अभी फिलहाल मैं आता हुआ एक ऐसे जगह में, मतलब आप लोग पहचानेंगे, हम लोगों का कामाख्या स्टेशन के सामने हो, क्योंकि उधर थोड़ा लाइटिंग वगैरह अच्छा है। तो वहाँ खड़ा होके राहुल भाई के साथ कुछ डिटेल्स लूँगा BS6 और BS7 में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, तब तक बने रहिए गाइस। तो भाई अभी राहुल भाई के साथ मिलते हुए आप लोगों को मैं बताऊँगा NS200 BS6 और BS7 का फ़ायदा और नुकसान के बारे में। तो राहुल भाई बताइए, अभी जैसे ये हो गया BS7 NS200, ठीक है, ये है BS6 NS200, ओके। जैसे इसका कंपैरिजन है, इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है, अच्छा, ये टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है, ओके। हाँ, तो अभी फिलहाल इसमें BS7 में आ गया आपका USD फॉग, अच्छा ठीक है। इसका अपसाइड डाउन शॉक एब्जॉर्बर बना दिया, पहले था टेलीस्कोपिक, ठीक है, और ठीक इसका है। जो डिस्प्ले जो था, ठीक है, इससे ये डिस्प्ले थोड़ा अलग है वो वाला से, ठीक है, हाँ, उसमें वो बीच में कटिंग वगैरह कुछ है, तो इसमें क्या मतलब नुकसान और क्या मतलब कुछ हो सकता मतलब है, ये जो गैप जो दिया हुआ है, अच्छा, ये हीटिंग के लिए दिया हुआ है, मतलब जो गाड़ी का केलिपर जब काम करता है ना ब्रेकिंग का समय, ठीक है, तब क्या होता है ये कटिंग से जो गर्म का जो गैस होता है, ओके, वो गैस इधर से निकल जाता है, लेकिन इसमें निकलने वाला कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, ये मतलब फटक से गर्म हो जाता है, फटक से गर्म नहीं होता है, लेकिन ये जो होल सब जो दिया हुआ है इससे भी निकल जाता है, लेकिन वो वाला देने से अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें और एक कंपैरिजन है, अच्छा, जो NS200 BS6 में, अच्छा, इसका जो शॉक मोनोशॉक जो है, अच्छा, इससे थोड़ा उसका हाइट थोड़ा ज्यादा है BS7 का, BS7 में ना, इसका थोड़ा हाइट कम है, सीट हाइट और इसका ग्राउंड डिस्टेंस जो है, अच्छा, इसमें थोड़ा ज्यादा है, उसमें थोड़ा कम है, BS7 में कम है, उसका जो कभी कभार रास्ते में डिवाइडर उबर हो जाता है उसमें लग जाता है ये, अच्छा, और इसका उतना लगता नहीं है, इसका ग्राउंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसका टायर जो है, टायर तो मेरे सब इसका टायर जो है BS6 का जो टायर है, इसका टायर बहुत आगे से बड़ा है, अच्छा, थोड़ा छोटा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये चीज मैंने अभी नोटिस किया, लिंड पे इसका जो टायर नंबर आता है, अच्छा, इसका टायर नंबर आता है 100, 80, 17, अच्छा, ओके। और इसका टायर नंबर आता है आपका, देख लीजिए इधर, इसका टायर नंबर आता है 100, 80, 17, लेकिन ये जो एलोविल जो है ना, अच्छा अच्छा, ये एलोविल का डिस्टेंस में इसको थोड़ा टायर मैक्सिमम कर दिया, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ओके, और उसके हिसाब से वो थोड़ा सा छोटा है, ओके ओके ओके। पीछे का तो बाकी दोनों सेम ही है, पीछे का कोई चेंजेस नहीं है और कंपैरिजन नहीं है, इसका जो गियर इंडिकेशन शो है, हाँ ये सभी को मतलब देखना था भैया, जो मतलब NS200 में जो है वो क्या न्यूट्रल गियर ये सब शो करता है, वो प्लीज हमको दिखाइए थोड़ा, धूल मिट्टी गिरते हुए इसमें देख लीजिए इसका, okay. न्यूट्रल का इधर मैं न्यूट्रल गियर न्यूट्रल दिखा रहा है, ओके, okay. और इधर का तो BS6 में तो ये था, हाँ, न्यूट्रल साइन तो रहती है, लेकिन ये BS7 में ही दिया हुआ है, लेकिन BS6 में नहीं है, BS6 में ऐसा नहीं है। अभी देखिए फिलहाल गाड़ी को स्टार्ट करके जितना नंबर गियर में आप चला रहे हो उतना नंबर गियर आपका शो करता है, ओके, ठीक है। अभी देखिए जैसे 4 नंबर गियर में, 5 या 6, अच्छा अच्छा, ये BS6 BS4 किसी में नहीं है, एक किसी में नहीं है, ये सिर्फ BS7 में दिया हुआ है, ये एक अच्छा अपडेट है, ठीक है। और इसका टैंक कैपेसिटी 1.5 लीटर इसका बढ़ाया गया है, अच्छा, पहले का था इसका 12, इसका 12.5 कर दिया है,
अच्छा ओके ओके ओके। और बाकी जो कंपैरिजन आप लोग देखते हैं इसका हाँ। थोड़ा हैंडल का हाइट ज़्यादा है, इसके हैंडल का हाइट थोड़ा कम है, और गाड़ी में उतना सारा तो कंपैरिजन कंपनी किया नहीं है। ओके। और इतना सही कंपैरिजन हम लोगों का था। अच्छा, जैसे इसका हेडलाइट का जो एलईडी तो आता नहीं है इसमें, नहीं, इसमें नहीं। बल्ब आता है। हाँ हाँ। इसका पावर जो है पावर 12 वोल्ट का था, इसमें भी वो 12 वोल्ट ही है, डीसी है, 12 वोल्ट एसी में करंट जनरेट होता है। इसका हेडलाइट का पावर जो है, इसका हेडलाइट आता है 24 वाट का। ओके। इसका आता है 30 वाट का, इसका थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है इसका। 30 वाट का मतलब एसी वाट का बल्ब आता है इसमें। ओके ओके भैया, ठीक है। और तो बाकी तो सब सेम ही है गाड़ी में, उतना कंपैरिजन बस मेजर वही था ना, वही था और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इसमें इतने। तो भाई लोग आप लोग देख चुके, जो अभी हम जो टेक्नीशियन से मिले हैं जो बजाज के है, तो वो आप लोगों को बता दिए क्या फ़ायदा क्या नुकसान कुछ है। ज़्यादा कुछ मुझे मतलब ये नहीं लगा, मेजर सा प्रॉब्लम है वो जस्ट गियर शो इंडिकेटर यही और कुछ नहीं है, बाकी दोनों में तो सेम ही है। खाली एक चीज़ मुझे पता है कि इसका पावर थोड़ा कम है और इसका पावर थोड़ा ज़्यादा है, यही है ना भाई। इसमें मतलब इसके न्यूटन मीटर 18 न्यूटन मीटर है। ओके। इसका लेकिन 17.5 न्यूटन मीटर है। अच्छा, फिर भी इसका 17.5 न्यूटन मीटर में भी इसका टॉर्क बहुत ज्यादा है। ओके। इसका टॉर्क थोड़ा कम है। ओके। यही इसमें कंपैरिजन। तो भाई खाली यही थोड़ा सा कंपैरिजन है और कुछ नहीं है। तो बाकी भाई अभी तो ये कलर आना बंद हो गया, ये वाला व्हाइट, अभी जो मिलेगा ये वाला व्हाइट मिलेगा, ब्लैक में मिलेगा, शाइन ब्लैक, और वो रेड और ब्लू कलर में जो है वही सब मिलेगा। बाकी अपना अपना चॉइस होता है गाइस, मुझे BS4 चाहिए था, अभी BS6 मिल गया, तो अभी उसके अलावा तो कुछ ये नहीं है। बाकी जो है गाड़ी अपना स्टेटमेंट में दमदार ही है, तो बने रहिए गाइस। फाइनली गाइस मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करते हुए आज ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद हो, तो भाई अपना भाई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, भूलिएगा मत, इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। और इस हफ्ते से, एक हफ्ते से आपका 3 ब्लॉग आता रहेगा, एक हफ्ते में 3 ब्लॉग आता रहेगा गाइस, आप से आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। तो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो।